नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूँ पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 20 सितंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है, भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है बुधवार। आज ऋषि पंचमी है, जिसे भाई पांच भी कहा जाता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र दोपहर बाद 2:59 तक है, आगे अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग विषकुंभ है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है लौकिक कार्यों के लिए। करण बालव है, दोपहर 2:18 तक आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:14 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:26 का है। आज का राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 के बीच है, इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो है दिन में 11:55 और दोपहर 12:44। सूझबूझ से समझते हुए इन्हें टाल दीजिएगा। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार है कि उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करते हुए और फिर दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहती है, दिशाशूल भी नहीं लगता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:45 से सुबह 9:15 तक, फिर सुबह 10:50 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:30 से 6:20 तक, फिर रात्रि 8 से 9:20 तक। चारों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा ज्यादा शुभ योग कारक है, तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें, सफलता के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों, तुला है, सुबह 8:44 तक आगे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है और क्रोध करने से भी बचें। वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। मिथुन राशि वाले शत्रु बाधा का सामना करेंगे, हालांकि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कार्यों में व्यवधान अवश्य आएंगे। कर्क राशि वाले छात्र छात्राएं भविष्य को लेकर होंगे चिंतित। सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी और किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन तो बिल्कुल ना ले। कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन और आगे बढ़ने की प्रेरणा। तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी, आज आपकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है, किसी को कोई बात चुभ सकती है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसाद ग्रस्त रहेंगे, मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता इन्हें महसूस होगी। धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं ना अटका दें और मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होता हुआ देखेंगे और कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद में सपोर्ट सिस्टम। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे और संभव है किसी अच्छे देवीय स्थान या संत महात्मा साधुओं के दर्शन करने के लिए जाएं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सफल बना देते हैं, समस्याओं से आपको बाहर ले आते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम बात करते हैं ऋषि पंचमी की। आज ऋषि पंचमी है, सप्त ऋषियों को आज स्मरण करने, पूजने और उनके प्रति व्रत रूपी तप करने का आज दिन है। सबसे पहले समझते हैं सप्त ऋषि कौन है। देखिए, वेदों के अनुसार 7 ऋषि हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। और फिर पुराणों में जो सप्त ऋषि है उसमें भिन्न भिन्न नामावली मिलती है, जैसे कि विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर में जो वर्तमान मनवंतर चल रहा है उसमें सप्त ऋषि इस प्रकार है कि वशिष्ठ, काश्यपो, अत्रि, जमर्दग्नि, गौतम है, विश्वामित्र, भरद्वजो, सप्त सप्त ऋषियो भवन। यानी कि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमर्दग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, ये 7 सप्त ऋषि इस मनवंतर के हैं। आज के दिन के व्रत का बहुत विशेष महत्व होता है। आज के दिन व्रत करने से महिलाओं के द्वारा शुद्धि अशुद्धि के नियमों, शौच अशौच के नियमों को लेकर वर्ष भर में जो भी त्रुटियां हुई हैं उनके दोषों का नाश हो जाता है, पाप का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के इस व्रत में यदि आप अपामार्ग के पौधे का दातुन करते हैं, उसके पौधे के पत्तियों से या उसके पंचांग से स्नान करते हैं, तो विशेष रूप से आपकी प्रज्ञा में, बुद्धि में, स्मरण शक्ति में जागरण होता है।
आज के दिन महिलाओं को चाहिए कि स्नानादि से शुद्ध होकर हल्दी कुमकुम से चौकोर मंडल बनाकर उसमें 7 सुपारी रखकर उनका सप्तऋषि रूप में धूप दीप पुष्प गंध आदि से पूजन करें, फिर इस मंत्र के जाप के साथ सप्तऋषि गणों को बारी बारी अर्घ दें। मंत्र इस प्रकार है, कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रोत गौतमे जमदग्नीर वशिष्ठस्य सप्तेते ऋषये स्मृता दहन्तु पापम सर्वग्रहंत वर्ध्यम नमो नमः। इस प्रकार से बारी बारी सबको अर्घ दें। इस पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त आज सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 के बीच है। तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाल कर अड़चनों से बचाते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आप लोग कुछ विशिष्ट उपाय करें आज जो गणेश जी से संबंधित होंगे। आपको करना यह है कि सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में एक पान में 2 लौंग और 1 सुपारी लपेट कर साथ में यज्ञोपवीत ध्वजा लेकर भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं। साथ में अपने कुछ पुराने पहने हुए कपड़े भी आप ले जाएं। पान भगवान गणेश जी को अर्पित करें, वहां बैठकर गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, उसके बाद यज्ञोपवीत ध्वजा कुछ दक्षिणा के साथ अर्पित करें, भगवान गणेश जी से सुख शांति की प्रार्थना करें और बाहर आकर जो भी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति मिले, अपने जो साथ में कपड़े लाए थे वो उसे दे दें। ये छोटा सा काम आपके जीवन को बदल देगा। अचानक से रुके हुए काम आपको वापस मिलने लगेंगे, स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, सुख शांति की प्राप्ति जीवन में होने लगेगी। इसके साथ साथ आज यदि आप दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में या 4 से लेकर 4:30 के बीच में मछलियों को बाजरे का आटा, मूंग का आटा, इनको मिलाकर गोलियां बनाकर खिलाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको आर्थिक शुभ सूचना भी मिलने लगेंगी। तो ये सारे उपाय आप करें तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा। ऐसे दर्शकों, यदि परिश्रम के पश्चात भी व्यापार ठप हो रहा हो या धन आकर खर्च हो जाता हो तो आज आप एक छोटा सा उपाय अपने काम में लें, बहुत ही जल्दी इन समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि किसी गुरुवार पंचमी के दिन या आज के दिन, जैसे आज ऋषि पंचमी है तो आज बहुत ही सुंदर रहेगा कि सुबह 11:30 से 12:15 के बीच में हरे या सिंदूरी रंग के कपड़े की एक छोटी थैली तैयार करें, जिसमें 7 दाने मूंग, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया या चांदी का तार, 1 श्वेतार्क मूल का टुकड़ा, 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखें और भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर आप संकट नाशन गणपति स्तोत्र, यानी जो द्वादश नाम स्तोत्र है, उसके 27 पाठ करें। ये पाठ करके गणेश जी को शुद्ध घी के मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर ये थैली वापस लाकर तिजोरी में या जहां पैसे रखते हैं उस अलमारी में आप रख दें। आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही जल्दी बहुत तेज गति से सुधार आएगा, आपके व्यापार में जो भी विघ्न आ रहे थे उनका नाश होगा और बहुत जल्दी आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। ऐसी अगर आपके प्रत्येक शुभ कार्य में बाधा आती हो या विलंब होता हो तो आज के इस ऋषि पंचमी के दिन आप दोपहर 1 बजे भैरव जी के मंदिर जाएं, सिंदूर का चोला चढ़ाएं और भैरव नामावली के 11 पाठ करें और गौ माता, कौवों और काले श्वानों को उनकी रुचि का पदार्थ खिला दें। वापसी में कोई साधु संत मिले तो उचित दक्षिणा देकर चरण छूकर आशीर्वाद लें। ये छोटा सा उपाय है, लेकिन आज के बाद अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आज के दिन से कार्यों में रुकावट आना बंद हो जाएगी, जीवन सहज गति से चलने लगेगा और एक देवी अनुकंपा कृपा की अनुभूति हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को लगातार धन की कमी बनी रहती हो या फिर काम अटकते हो, जीवन में लगातार असफलताएं हाथ लग रही हो, तो उनको चाहिए कि नित्य भगवान गणेश जी का विधिवत पंचोपचार से पूजन करें, फिर माता पार्वती का ध्यान कामाख्या भगवती के रूप में करके उनका भी पंचोपचार से पूजन करें, उन्हें कुमकुम, लाल चंदन, शहद और रक्त पुष्प अर्पित करें, फिर इस मंत्र की 11 माला नित्य 3 महीने तक करें। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आपकी सभी आर्थिक समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान भगवान गणेश जी कृपा से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखिए, इसका रिजल्ट से आप खुद चकित रह जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम गं गणपते नमः, ओम सर्व विघ्न विनाशिनी कामाक्षाय नमः स्वाहा। ओम गं गणपते नमः, ओम सर्व विघ्न विनाशिनी कामाक्षाय नमः स्वाहा। ऐसे दर्शकों, काम बनते बनते बिगड़ते हों या फिर आप कंफ्यूज हों, अपने भविष्य करियर को लेकर निर्णय क्षमता आपकी बहुत कमजोर हो चली हो, ऐसी स्थिति में नित्य भगवान गणेश जी को 2 लड्डू बेसन के, घी का दीपक, 21 दुर्वा अर्पित करते हुए कुछ दिन 5 माला इस मंत्र का जाप करते रहें,
बहुत जल्दी समस्या से बाहर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। निर्णय क्षमता बहुत तेज हो जाती है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौंग गंग श्री महागणाधिपते नमः। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गौंग गंग श्री महागणाधिपते नमः। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, आपके जीवन को बदल रहे हैं, आपको जीवन में सफल बना रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अमित शर्मा जी की। 16 फरवरी 1990 का जन्म है, दोपहर बाद 3:45 जयपुर। वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। अमित जी, कर्क लग्न है, तुला राशि की पत्रिका है आपकी, चतुर्थ में चंद्रमा अकेला है, तो आप बहुत ज़्यादा भावुक प्रकृति के हैं। सप्तम यानी विवाह भाव में आपके बुध राहु की युति दर्शा रही है कि स्वभाव से समस्या उत्पन्न करने वाला जीवन साथी आपको प्राप्त हुआ है, यानी जानबूझ के जो परेशान करे। ऐसे में आप चंद्रमा मंगल गुरु के जाप करवाकर गले में उच्च क्वालिटी का मोती पहनिए, आपको आराम आने लगेगा इस समस्या में। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक सूरज यादव जी की। 22 जुलाई 2001 का जन्म है, रात्रि 9:51 अलवर। नौकरी किस क्षेत्र में और कब तक, ये इनका प्रश्न है। देखिए सूरज जी, कुंभ लग्न सिंह राशि की जन्म पत्रिका आपकी, दशम में स्वराशि का मंगल प्रबल राजयोग बना रहा है। आप पुलिस, मिलिट्री, रेलवे, रोडवेज, माइंस विभाग, कोर्ट, इन सब की तैयारी करें। जनवरी 2024 से मार्च 2026 के बीच में आपका नौकरी लगना तय है, तो मेहनत कीजिए, भगवान आपको आगे से आगे सफल करेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।